हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने HDFC बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है उसको कैसे रजिस्टर करेंगे दोस्तों, इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, उसके बाद अलाउ करना है। दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। इसको अलाउ करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कि बिल्कुल दोस्तों मैं न्यू तरीके आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये अलाउ आपको करते जाना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डाल दिया दोस्तों, मैं कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP अपने आप ही डल गया। अगर नहीं इसमें आता तो आप लोग डाल के कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देंगे OTP को डाल के। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ATM पिन डाल देना है। उसके बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है। एक्सपायरी मंथ यहाँ पर लिखा रहता है दोस्तों, जैसा कि इस ATM कार्ड में आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मंथ और ईयर है यहाँ पे। और पिन आपको दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, पिन आपको यहाँ पे पिन और मंथ और ईयर डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये सभी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे OTP भी आ चुका है। अब आप लोग अगर ATM जो होता है 4 अंक का अगर पिन अगर सेट करना चाहते हैं तो फिर इसको इनेबल कर देंगे। चलिए मैं सेट करना चाहता हूँ। कस्टमर आईडी जो पासवर्ड होता है उसको मुझे नहीं डालना है, मैं सेट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको पिन सेट कर लेना है। अगर ये वाला पिन मैंने पहले से ही सेट किया है, ये वाला करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए मैं यहाँ पर ये वाला डाल के हाँ मैं सबमिट पे, ये फिंगरप्रिंट मैं ऑफ कर देता हूँ, केवल पिन ही मैं सेट करना चाहता हूँ। यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता रहा है ये पिन आप लोगों ने, मैंने इसको एक बार और लॉगिन किया था तो इसीलिए बता रहा है दूसरा सेट कीजिए। चलिए मैं दूसरा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए आपके सामने दोस्तों मैं सेट कर रहा हूँ, ये वाला भी तुरंत ही हो जाएगा। यहाँ सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो होता है सक्सेसफुली यहाँ पे पिन जो होता है 4 अंक का सेट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये पिन आपको डाल के यहाँ पे अभी मैं पिन वही वाला पिन डाल देता हूँ जो मैंने अभी सेट किया है। यही पिन मैंने यहाँ पर डाला है और इसको यहाँ पर मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले। अभी दोस्तों यहाँ पर HDFC में यहाँ पर पिन डाल के लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने पिन डाल दिया और ये दोस्तों फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू तरीका है दोस्तों। बाकी अगर आपको और भी अगर कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा। आपको यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना है, ये बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बैलेंस है ये सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।